हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर, जहां पर हम आपको सभी तरह की दवाइयों व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी विस्तार से देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम ऐसी ही एक मेडिसिन की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निप केयर क्रीम के बारे में। हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, इसमें क्या क्या कंपोजिशन हैं, इसके जो मार्केटिंग प्राइस है वो क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, निप केयर क्रीम का इस्तेमाल ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतों में निप्पल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इन समस्याओं को दूर करने वाली क्रीम में ये निप केयर नाम से जो है वो बेस्ट ब्रांड माना जाता है। इसका जो कंपोजिशन है वो है लैनोलिन, जो कि एक प्राकृतिक वैक्स है। ये मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी वाली क्रीम होती है, जिससे कि ईचिंग, स्किन इरीटेशन या ड्राइनेस आदि में इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी से पहले, मींस प्री और पोस्ट नेटल दोनों ही टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मिल्क सीक्रेशन होने लगता है, जिससे निप्पल क्रैक होने लगते हैं और ड्राइनेस भी रहती है। ऐसी कंडीशन में भी आप निप केयर क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी तो इस समस्या के लिए ये क्रीम यूज़ करी ही जाती है। दोस्तों, कभी कभी जो है वो बेबी फीड के दौरान दांत से निप्पल को कट कर देते हैं। निप्पल या उसके आसपास के ब्लैक हिस्से में ड्राइनेस या क्रैक हो तो निप केयर क्रीम का इस्तेमाल इसे ठीक करने के लिए या हील करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बात करें निप केयर क्रीम के मार्केट प्राइस की, तो जो इस समय इसका मार्केट प्राइस है वो 155 रुपये है और ये आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाएगी या फिर किसी मेडिकल ऑनलाइन शॉप से भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, निप केयर क्रीम की एक पतली सी लेयर आपने निप्पल पे, जहाँ पे भी क्रैक है या ड्राइनेस है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें। इस क्रीम को लगाने के बाद बच्चे को फीड ना कराएं। बच्चे को फीड जब भी कराना हो, उससे पहले आप निप्पल वाली जगह को अच्छे से गुनगुने पानी से वॉश कर लें। आप कोशिश करें कि जब भी आपका बच्चा दूध पिए, उसके तुरंत बाद आप इस क्रीम को लगाएं, ताकि इसको थोड़ी देर और रखने के लिए समय मिल जाए। और इसको दिन में दो बार इसे इस्तेमाल करें, जब तक आपका ये घाव ठीक नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम की प्रॉपर्टी होने के कारण या नेचुरल वैक्स होने के कारण इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी यदि आपको किसी तरह की जलन, ईचिंग, इस तरह की दिक्कत आपको क्रीम लगाने के बाद आती है, तो उस क्रीम को लगाना बंद कर दें और अपने जो गायनिक डॉक्टर हैं या जो भी आपके डॉक्टर हैं उनको दिखा लें। दोस्तों, ये तो थी छोटी सी जानकारी निप केयर क्रीम के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी।